आपके सामने क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि 4 नंबर में पक्का पूछने वाला है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था। एक रेखा एक घन के विकर्णों के साथ अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती है, तो सिद्ध करना है कोस स्क्वेयर अल्फा धन कोस स्क्वेयर बीटा धन कोस स्क्वेयर गामा धन कोस स्क्वेयर डेल्टा बराबर 4/3। मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से याद करना है, 4/3 वाला है ये, अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक घन के विकर्णों के साथ। तो सबसे पहली बात आपको क्या कर लेना है, एक घन बना लेना है। ठीक है, घन बनाना आता है आपको। अब घन बनाकर प्लीज़ थोड़ा सा, एक घन बनाते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो ये घन बनाना है और इसके नाम दे देना है आपको, जैसे कि मैंने दे दिया ए। जैसे फिर थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको मूल बिंदु मान लूँ, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0, 0। इसको आपको मान लेना है एक्स अक्ष, बिल्कुल सीधी लाइन खींच देनी। इसको आपको मान लेना है वाई अक्ष, क्योंकि अपन एक्स वाई इस तरीके से लेते हैं, और इसको आपको मान लेना है जेड अक्ष। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाएगा। चित्र थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर ये घन पड़ा है और इसकी प्रत्येक भुजा ए है, जो अपन थ्योरी में लिखने वाले हैं, तो देखिएगा इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, थोड़ा ध्यान से बताइए मुझे। तो ए, अगर इसकी भुजा ये ए है, तो ए बिंदु के निर्देशांक मेरे पास होंगे ए कोमा 0, 0। क्यों? क्योंकि एक्स पर बाकी सभी 0 होंगे। उसी प्रकार से बी बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, A, 0, क्योंकि वाई पर वाई ए आएगा और जेड पर जेड ए आएगा 0, 0, A, क्योंकि इनकी दूरियां कितनी, ए है इसकी भुजा और ये मूल बिंदु। सबसे पहले अपने को क्या करना है, घन बनाना है, एक्स वाई जेड डिसाइड करना है, इनके नाम दे देने हैं। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आगे पीछे नाम देंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, अब इस डी बिंदु पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए डी बिंदु कहाँ है, अब ये डी बिंदु ही हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक्स और वाई तल में, ये पीछे वाला तल दिख रहा होगा आपको, एक्स वाई तल दिख रहा है। तो एक्स वाई तल में जेड क्या होता है, जेड तो 0 होता है। अब देखिए ये एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, एक्स अक्ष से भी ए दूरी पर है और वाई अक्ष से भी ए दूरी पर है। तो यहाँ पर दोनों की बिंदु क्या आ जाएंगे, a, a, 0। ठीक है, इसी प्रकार से जी बिंदु देखो ये कहाँ पर है, एक्स जेड में, क्योंकि देखिए नीचे जो हमारे पास तल है कौन सा, एक्स जेड। तो एक्स और जेड का मान ए ए आ जाएगा और वाई का मान 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ए बिंदु, यहाँ साइड में जो तल आ रहा है, जो इस प्रकार ये वाली जो फलक आ रही है, इस ये कहाँ है, वाई जेड तल में। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स 0 हो जाएगा और बाकी दोनों ए ए हो जाएंगे। और जो ये ई बिंदु है, ये इन सबसे बाहर की ओर उठा हुआ है, तो सभी से ये a, a, a की दूरी पर है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इस चित्र में डिसाइड करना है इसके सभी बिंदुओं को। क्लियर हुआ? अब प्रश्न में क्या है, एक रेखा। अब रेखा की बात अपने को बाद में करना है, पहले घन के विकर्णों की बात कर लेते हैं। अब घन के विकर्ण कौन कौन, देखिए तो विकर्ण थोड़ा सा आपको पता हो तो, एक घन या घनाभ के 4 विकर्ण होते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर एक विकर्ण ले रहा हूँ, तो एक विकर्ण मेरे पास मिल रहा है मुझे ओ ई मिल रहा है, ओ से ई तक जाना है। एक विकर्ण मुझे मिलेगा यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ए से ए पर जाते हुए, ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं आपको एग्जाम में, मैं भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ केवल। एक विकर्ण मिलेगा आपको सी से डी पर जाना डायरेक्ट, और एक विकर्ण मिलेगा आपको बी से जी पर जाने पर, बी से जी पर जाने पर। टोटल 8 शीट्स हैं, तो इसके 4 विकर्ण मिल जाएंगे और ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अपन थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल इसमें ये चित्र समझना आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से वापस रिपीट देखिए, चित्र समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपन आगे देखते हैं, अपन हल करके आपको, हल अब मैंने ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है एक घन, एक घन, इस घन का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, जिसकी प्रत्येक, ये मैं इधर भी लिखूंगा तो मैं इधर लाइन खींच देता हूँ, प्रत्येक, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा भुजा ए लंबाई की है, ए लंबाई की है, ए लंबाई की है, के मतलब घन के 4 विकर्ण, 4 विकर्ण। अब 4 विकर्ण अपन ने देखा कौन कौन है, एक तो ओ ई, एक ए एफ,
एक सी डी और एक हमारे पास बी जी, ओ ई ए एफ सी डी बी जी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने को चित्र बनाना है, फिर विकर्ण डिसाइड करना है। अब देखिए अपने ने शीर्ष लिख दिया, उनके शीर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैं एक एक के दिक कोसाइन निकाल रहा हूँ, ताकि क्योंकि अपने को कोण के लिए, हमारे पास अगर कोण पूछता है तो दिक कोसाइन का ही फार्मूला आना चाहिए। कोस अल्फा बराबर ए वन ए टू बी वन बी टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ओई की दिक कोसाइन निकाल रहा, ओई के दिक कोसाइन। देखिए OE के दिक कोसाइन क्या हो जाएंगे, देखिए O से E के दिक कोसाइन, अगर इन दोनों O से E के दिक कोसाइन, तो दिक कोसाइन कैसे होते हैं, देखिए दो बिंदु अगर हमारे पास ये हैं तो दिक कोसाइन क्या आएंगे हमारे पास, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू, इस तरीके से कुछ आएगा। ठीक है, सॉरी दिक कोसाइन होते हैं हमारे पास ए टू माइनस ए वन, ए इस तरीके से आएगा, और बटे रूट के अंदर ए ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर, और ए में से क्या गया है यहाँ पर जीरो कोमा, फिर से ये हमारे पास दिक कोसाइन। देखिए दिक अनुपात हमारे पास डायरेक्टली अपन ला सकते हैं, ए माइनस जीरो ए माइनस जीरो और ए माइनस जीरो, ये तो हमारे पास डायरेक्ट दिक कोसाइन आ जाएंगे। और दिक अनुपात निकालने के लिए इनका ए स्क्वेयर धन बी स्क्वेयर धन सी स्क्वेयर करना पड़ता है, ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर, और ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर कहाँ, रूट के अंदर। ये दिक कोसाइन का फार्मूला आपको पता होगा। देखिए अब देखिए ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर धन ए स्क्वेयर कितना हो जाएगा, थ्री ए स्क्वेयर, तो ए बन के बाहर निकल जाएगा, जो ए से ए कट जाएगा, केवल बटे में क्या बच जाएगा, रूट थ्री, वन बटे रूट थ्री यहाँ पर भी बच जाएगा और वन बटे रूट थ्री यहाँ पर भी बच जाएगा। ये हमारे पास ओ ई के दिक कोसाइन है। इसी प्रकार अगर आप ए एफ के दिक कोसाइन निकालेंगे, देखिए ए से एफ के दिक कोसाइन अगर आप निकालेंगे, तो ए माइनस जीरो, ठीक है जीरो माइनस ए और जीरो माइनस ए, तो यहां पर आपको समझ में आ रही बात क्या क्या आ जाएगी। ए एफ एफ से अगर आप घटाएंगे, उल्टा करिए, देखिए जीरो में से ए जाएगा तो माइनस का ए, और ये दोनों का ही क्या आ जाएंगे, प्लस के। तो इसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसी प्रकार बाकी विकर्णों के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। तो देखिएगा डायरेक्ट आप लिख सकते हैं उसको, कोई टेंशन नहीं। इसमें किस तरीके से याद रखेंगे आप, एक बार तीनों में प्लस आ जाएगा, एक बार पहले में माइनस आ जाएगा, और बाकी में प्लस, ये दूसरे विकर्ण के कोमा, एक बार दूसरे वाले में माइनस आ जाएगा मतलब वाई वाले में, और एक बार तथा चार विकर्ण है, तो एक में सभी में प्लस, एक में पहले माइनस, दूसरे में माइनस और अगले वाले में तीसरे में माइनस। ठीक है, ये प्रोसेस अपनाते रहिएगा, आपको बड़ी आसानी से आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। ये हमारे पास तीसरा, तो ये हमारे पास तीनों विकर्णों के चारों विकर्णों की दिक कोसाइन आ गए हमारे पास। एक में सभी प्लस है, दूसरे वाले में पहला वाला माइनस, दूसरा वाला माइनस और तीसरा वाला माइनस, ये हमारे पास सभी विकर्णों के दिक कोसाइन हो गए। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब माना रेखा, एक रेखा जो है, रेखा जो माना रेखा जो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोण बनाती, माना रेखा जो कि विकर्णों के साथ, जो भी पूरी लाइन लिखेगा विकर्णों के साथ अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा कोमा डेल्टा कोण बनाती हैं, कोण बनाती हैं कि इसकी दिक कोसाइन, कि दिक कोसाइन अपन को मान लेना है, इसकी दिक कोसाइन एल कोमा एन है, हमने मान लिया। अब रेखा की भी दिक कोसाइन होगी एल कोमा एम कोमा एन है। अब ध्यान से देखिए, इसकी दिक कोसाइन एल एम एन और इसकी दिक कोसाइन एक की, जैसे हमारे पास देख लिया वन बटे रूट थ्री ए। अब इन दोनों के बीच कोण क्या बन रहा है, कोस अल्फा, तो कोस अल्फा बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा ए वन ए टू देन बी वन बी टू देन सी वन सी टू, उसी तरीके से कोस बीटा बराबर पढ़ा होगा, कोस गामा बराबर पढ़ा, कोस डेल्टा बराबर, चार सूत्र लगाएंगे अपन डायरेक्टली दिक कोसाइन वाले और हो जाएगा। ठीक
ठीक है, तो यहां से ही है, तो अपन बस इसके आगे लिख देता हूं मैं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखिए, कोस अल्फा बराबर क्या लिखूंगा, ए वन ए टू बी वन बी टू धन सी वन सी टू, यही होता है, आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये दिक्को साइन का फॉर्मूला होता है। तो देखिएगा यहां पर पूरा करके बता देता हूं, एल इंटू रूट थ्री प्लस एम इंटू वन बटे रूट थ्री प्लस एन इंटू वन बटे रूट थ्री, ठीक है, ये हमारे पास दिक कोसाइन से फार्मूला होता है, कोस अल्फा बराबर एल वन एल टू धन एम वन इंटू धन एन वन इंटू। और देखिए अगर यहाँ पर दिक अनुपात होते तो बटे में रूट भी आता, लेकिन यहाँ पर दिक कोसाइन आ गई इसलिए वहाँ पर बटे में रूट नहीं आएगा। बस यहाँ से हमारे पास आ गया कोस अल्फा बराबर हमारे पास आ गया, देखिए इसी तरीके से मैं वैल्यू निकालूँ, कोस अल्फा बराबर देखिए वन बटे रूट थ्री वन बटे रूट थ्री वन बटे रूट थ्री, मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया, एल प्लस एन प्लस ए, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर डायरेक्ट लिख लीजिए कोस बीटा बराबर क्या आएगा, देखिए कोस बीटा इस एलिमेंट का गुणा इसके साथ होगा, तो केवल एक माइनस आएगा और बाकी सभी प्लस आएंगे, तो यहां पर भी मैं वन बटे रूट थ्री कॉमन निकाल लेता हूं और माइनस का एल और इन दोनों को प्लस का एन लिख देता हूं। कोस गामा भी वन बटे रूट थ्री हमारे पास कॉमन निकल जाएगा और एल प्लस का और एम माइनस का आ जाएगा, क्लियर है। और कोस डेल्टा में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, वन बटे रूट थ्री कॉमन निकल जाएगा और एम प्लस का आ जाएगा और एन माइनस का आ जाएगा। तो यहां पर भी वही बात हो गई, तीनों प्लस के, एक बार एल माइनस का, एक बार एम माइनस का और एक बार एन माइनस का, यहां तक ठीक है। अब प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, अब देखिएगा, अब हमारे को सिद्ध करना था कोस स्क्वायर अल्फा धन कोस स्क्वायर बीटा धन कोस स्क्वायर गामा बराबर गामा प्लस कोस स्क्वायर डेल्टा बराबर फोर बटे थ्री। अब एलएचएस लेके चलता हूं मैं, अब एलएचएस क्या है, कोस स्क्वायर अल्फा धन कोस स्क्वायर बीटा धन कोस स्क्वायर गामा धन कोस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है, इनकी वैल्यू रख देते अपन स्क्वायर करके, देखिए इसकी स्क्वायर करके इसकी स्क्वायर 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 इन सब की स्क्वायर करके मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो देखिए वन बटे रूट थ्री वन बटे रूट थ्री वन बटे रूट थ्री, इसका स्क्वायर वन बटे थ्री होगा, जिसको मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल लिया और अंदर मैंने लिख दिया एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर धन माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर धन एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर धन एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर, ठीक है, एक एक बार सबके माइनस लिख देना, हो गया हमारा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, बस देखिए वन बटे थ्री बाहर है और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पूरा इतना बड़ा नहीं कर रहा हूँ, बहुत समय हो जाएगा नहीं तो, वैसे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अगर मैं इस तरीके से इनकी स्क्वायर खोलता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला अगर खोलता हूँ, तो देखिए अगर एक माइनस होता है तो यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी माइनस में, यहाँ पर एक माइनस मतलब जो हमारे पास फार्मूला होता है ये, इस फार्मूले से आप अपने रफ में खोल के बताइएगा, ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन टू ए बी, ये रफली है टू बी सी धन टू सी ए, ठीक है, ये हमारे पास पहले वाले का हो जाएगा। अब देखिए अगर एक माइनस है माना कि, तो एक माइनस में ये तो प्लस में रहेंगे और ये माइनस का और ये माइनस का आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, अभी आपकी एग्जाम आने वाली है तो आपको इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर केवल याद रखिएगा यहाँ से भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ से भी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर और यहाँ से भी भाई, तो कितने एल स्क्वायर बच रहे हैं चार, तो फोर एल स्क्वायर और फोर एम स्क्वायर और फोर एन स्क्वायर, तो अपन ने इन सबको एक ही साथ लिख दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास बच रहा है फोर बटे थ्री एल स्क्वायर एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर। अब देखिए हमको तो लाना था, हमको क्या लाना है, केवल फोर बटे थ्री लाना है, लेकिन हमारे पास तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी आ रहा है, चूंकि इसका मान क्या होता है वन होता है, क्यों, तो यहां पर लिख दीजिएगा चूंकि एल स्क्वायर धन एम स्क्वायर धन एन स्क्वायर का मान कितना होता है वन होता है, अपन ने पढ़ा था दिक को जाए दिक अनुपात की स्क्वायर का योग हमेशा वन होता है। बस ये हमारे पास आ चुका है आरएचएस इति सिद्धम करके आपको इसको कर लेना है पूरा, ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन था,
3D त्रिविमीय ज्यामिति के दो वीडियो में पहले बना चुका हूँ और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियो ज़रूर बनाया जाए। ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और ज़रूर देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए और अच्छे से समझिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिख जरूर लंबा रहा है लेकिन इतना है ही नहीं। अगर आपने एक या दो बार स्वयं किया तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी सीखना है तो आपका किताब का एग्जाम्पल नंबर 26 है, ये विविध का, NCERT की विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल 26 पेज नंबर 509 का है। 509 NCERT मैथ्स का ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।